हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ सपोर्टिंग मटेरियल और चैप्टर 7। पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांगसमता नियम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे आपके सपोर्टिंग मटेरियल में, ऑप्शन दे रखे हैं। तो ए ए जो है ना, ए 3 बार है, ये सर्वांगसम का नियम नहीं है। दूसरा, यदि ए भी सर्वांगसम है सी डी, तब उसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये जो ये दोनों सर्वांगसम है तो ये दोनों बराबर होंगे, उसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे, तो आप इस पे सी पे टिक लगाएं, ए भी बराबर है सी डी के। क्योंकि सर्वांगसम होते तो उनकी सारी साइड या भुजा या एंगल सब बराबर होते हैं। तीसरा, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ, तब ए बी इसमें दे रखा है। अगर सर्वांगसम मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की जितनी भी साइड एंगल ये सारे बराबर होंगे, तो ए बी अगर बराबर है किसके बराबर होगी, डी के, ठीक है। और सी ए बराबर किसके होगी, डी एफ के होगी। और एंगल एंगल इधर साइड का ई डी एफ, ये वाला एंगल है, ये किसके बराबर हो गया, एंगल बी ए सी के। अब आते हैं फिफ्थ पे, फोर्थ पे, बी सी बराबर किसके होगी, ई एफ के। और एंगल ई जो ये वाला एंगल है, ये बराबर होगा एंगल बी के। इसी प्रकार एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, एंगल ई एफ डी के। तो सर्वांगसम में यही होता है कि इसकी सारी भुजाएं और जो कोण बनते हैं वो सारे समान होते हैं, दूसरे कोण के मतलब समान होते हैं। अब आपस में नहीं, दूसरे कोण त्रिभुज होता है ना उसके समान होते हैं, उसके कोण के। चौथा, वृत्त ओ डैश सर्वांगसम नहीं, वृत्त ओ वन सर्वांगसम में वृत्त ओ टू के। यदि वृत्त ओ वन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त ओ टू का व्यास क्या होगा। जब इसकी ये रहा, देखो इसकी इसमें पहले बोल रखा है कि ये दोनों जो वृत्त हैं ये सर्वांगसम है, तो इसकी त्रिज्या भी बराबर होगी। त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 6 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हमसे इसकी जो ओ टू है इससे हमें त्रिज्या नहीं पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि इसका व्यास कितना हो। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, तो 6 + 6 = 12, तो 12 सेंटीमीटर होगा इसका व्यास। अब आते हैं छठे पर, यदि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ, तो क्यू बराबर होगा किसके, एंगल जो एंगल क्यू है वो किसके बराबर होगा, एंगल एफ के। इसका मीनिंग जो ये ऐसे बना रखा है ना, इसका मीनिंग तो ये बराबर का शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें बुक में सपोर्टिंग मटेरियल में ऐसे ही लिखा था। तो ये क्यू बराबर हो गया एंगल ई के। अब सातवां, दी गई आकृति में त्रिभुजों की सबसे बड़ी भुजाएं बताइए। जो ये त्रिभुज दे रखा है इसमें हमें बतानी है कि कौन सी भुजा बराबर है, बड़ी है मतलब सबसे बड़ी। तो आप देख रहे होंगे कि जो एंगल है ये वाला ए एंगल, इस 85 है, ये सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। तो प्रमेय है कि सबसे बड़ा कोण होता है तो उसकी जो सम्मुख भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो जो 85 की जो सम्मुख भुजा क्या है, बी सी, तो ये बी सी है वो सबसे बड़ी भुजा है। ये अगर हमसे छोटा पूछ रहे होते तो सबसे छोटा है 42, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ए बी। इसी प्रकार अब आठवां, त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे बड़ा कोण बताएं। इसमें वही पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, पी आर। पी आर सबसे बड़ी है, 6 सेंटीमीटर है, तो जो इसकी सम्मुख सम्मुख कोण क्या होगा, क्यू होगा, पी क्यू आर। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, क्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है, तो इसकी जो इस भुजा का जो सम्मुख कोण क्या है, क्यू है, तो ये भी सबसे बड़ा होगा।
आवादन 9 पे, यदि दी गई आकृति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो तो इनमें लगने वाला सर्वांगसमता का नियम बताइए। आप देख सकते हैं कि LO बराबर है OQ के और MO बराबर है OP के, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये बराबर होंगे। इसमें कौन सा नियम लग रहा है? इसमें लग रहा है साइड एंगल, साइड एंगल नियम, ठीक है। अब दसवां, डैश वाले दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं, समान भुजाओं वाले। 11वें पे आते हैं, मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है कि जो ये सर्वांगसम है, ये त्रिभुज सर्वांगसम है इसके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी साइड, सारी साइड इक्वल है इसके साइड के, तो हम इसमें एस एस सर्वांगसमता का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक एंगल है, इनमें एंगल है और दो साइड है, तो हम एस ए एस साइड एंगल साइड सर्वांगसमता का प्रयोग करते हैं। अब इसमें समकोण दे रखा है, समकोण दे रखा है, एक लंब दे रखा है और एक कर्ण दे रहा है, तो इसमें हम आर एच एस सर्वांगसमता का प्रयोग करेंगे। जहां पर भी आपको लंब दे रखा हो तो आप आर एस एस सर्वांगसम का प्रयोग करेंगे, समझा। अब आते हैं फोर्थ पे, यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखे हैं, तो हम एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता का प्रयोग करेंगे। अब बारवा, मिलान कीजिए का और खा में, ठीक है। अगर ये दोनों सर्वांगसम, मतलब इसका इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, तो जो x है इधर साइड को, जो x दे रखे, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू भी 10 होगी, क्योंकि सर्वांगसम के जितने भी, ये एक लाइन है, ये सर्वांगसम है इसके, तो बराबर भी होगी, ये 10 होगी तो ये भी 10 होगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी, ये रहा। और इसी प्रकार अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी त्रिज्या भी बराबर होगी, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी होगी, तो इसकी क्या होगी? x की वैल्यू 2 होगी, 2, ये रहा इसका आंसर। इसी प्रकार ये सारे के सारे इसी प्रकार होंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 30, दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर है सी डी और ए डी बराबर है बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी ए के। आपको दे रखा है कि ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है, ये बराबर है इसके, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी सी बराबर है ए बी सी के। हमसे जो पूछा जाए ना ए बी सी डी, तो हम यही त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज सी बी ए में। अब क्या है इसमें सर्वांगसम करने के लिए, क्या है कि डी सी है बराबर ए बी के और डी ए बराबर है बी सी के, ये हमें गिवन है, दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सी ए वो इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो सी ए कॉमन आ रहा है, अतः जो ये है ये त्रिभुज, ये सर्वांगसम होंगे। इसके नियम द्वारा, सर्वांगसम द्वारा एस एस एस, क्योंकि साइड 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 ही दे रखे हैं, इसमें कोई भी एंगल नहीं दे रखा। अब आते हैं 14वें पे, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बी बराबर है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए से बी पर खींचा गया समलंब ए बी ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है। ए डी है वो बी सी को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है। हमें दे रखा है कि ए बी बराबर है ए सी। हम अगर इन ये वाला त्रिभुज और इसको सर्वांगसम कर दें तो क्या होगा? इसकी ये वाली साइड, ये वाली और इधर ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, और हमें यही पूछ यही बोल रहे हैं यही बोल रहा है कि जो बी सी है उसको ए डी वो समद्विभाजित करता है समान दो भागों में, तो करते हैं। और हमें अब दिया क्या है, हमें ए बी बराबर है बी सी के और ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो बराबर बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो त्रिभुज ए
डी बी और त्रिभुज ए डी सी में ए बी बराबर ए सी गिवन है।